हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में। ऑप्शन हो जाएगा बी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? मुस्लिम से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 16, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 16 में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या है? बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? 2,4-D, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आगरा का किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर द्वारा, ऑप्शन सी। अकबर द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो कोंकण रेलवे, ऑप्शन हो जाएगा डी। कोंकण रेलवे का स्थापना हुआ था 1998 में, जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। अगर मुख्यालय कहेगा तो मुंबई, मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद, शैलोद्भिद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपाई है? हवेल, ऑप्शन डी, हवेल स्तनपाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरुभूमि के पादप अधिकतम होते हैं? मरुभूमि के पादप अधिकतम क्या होते हैं? तो मांसल, ऑप्शन बी, मांसल। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपाई कौन है? उड़ने वाला स्तनपाई कौन है? चमगादड़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइंस्टीन को भारत का नागार्जुन कहा जाता है, भारत का नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2011 के जनगणना में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई? किस राज्य में 2011 के जनगणना में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यांग यापिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा, यांग यापिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? अमेरिका, यूएसए अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? पोचमपाली, ऑप्शन ए। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था
2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोमेश चंद्र बनर्जी कहेगा तो प्रथम अध्यक्ष थे, और लॉर्ड डॉफरिन कहेगा तो इनके शासनकाल में कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष थे, जो कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, ऑप्शन हो जाएगा ये। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन हो जाएगा ए। 11वीं अनुसूची कहेगा तब पंचायती राज का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में तो नगर पालिका का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस राजा का प्रधानमंत्री था? विलियम प्रथम के, बिस्मार्क को दुनिया का बाजीगर किसने कहा था? तो विलियम प्रथम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। वहाँ से 1927 में चला था, 1928 में भारत पहुँचा। अगर बोल देगा कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट अपना कब पेश किया, तो 1930 में। साइमन कमीशन आया था 1928 में, रिपोर्ट बोलेगा तो 1930 में पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मुरुगन, ऑप्शन हो जाएगा ए, मुरुगन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? धर्म, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ज्वार नदी मुखी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिकोण किस में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार का घास है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय पर्वत कैसी पर्वत है? वलित, ऑप्शन हो जाएगा ए। अवशिष्ट कहेगा तो अरावली हो जाएगा, अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, जिसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर का, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन हो गया, क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? कवक में, ऑप्शन हो जाएगा सी। जीवाणु के खोज किए थे 1683 में लीमन हॉग, जो कि हॉलैंड के थे। अब विषाणु के खोज कहेगा था 1892 में यूनास्की, जो कि रूस के थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रवो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूरिएज, ऑप्शन हो जाएगा ए। लाइपेज एंजाइम कहेगा तो वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन था, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।